हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली ब्लॉगर भावना। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और लॉकडाउन का इस टाइम को अपने घर में काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज मैं वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आई हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो सच आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि बच्चों को मिट्टी खाने से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि छोटे बच्चों को मिट्टी खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ये एक तरीके की उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है जिससे उनको मिट्टी खाने का मन करता है। या अगर हम बात करें तो आज मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं और इसका क्या रीज़न हो सकता है। और इसके साथ मैं काफ़ी सारी आप लोगों के साथ इसके बारे में बातें भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप सभी लोगों के घर में, छोटे बच्चे तो सभी लोगों के घर में होते हैं, और बच्चों को मिट्टी खाने की आदत एक कॉमन आदत मानी जाती है जो 100 में से 40-60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मिट्टी की आदत होती है। या फिर कहो कि जब उनका दांत निकलने का टाइम होता है तो बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ की क्रेविंग होती है, वो मिट्टी खाते हैं। सबसे पहले तो हम एक शॉर्ट टॉपिक में बात कर लेते हैं कि वो मिट्टी क्यों खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर कोई कैल्शियम की कमी होती है या किसी चीज़ की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण उनका मिट्टी खाने का मन करता है। तो कई बार बच्चों के अंदर बॉडी में किसी चीज़ की कमी के कारण भी वो मिट्टी खाते हैं, जिनके लिए हम उनको कैल्केरिया फॉल्स की टैबलेट्स भी दिया करते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा जो 4 से 8 महीने का टाइम होता है इसमें बच्चे अपने टीथ निकालते हैं, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है जिसके कारण वो मिट्टी खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि आप अगर आपके बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनको कैसे छुड़ाएं। अभी फिलहाल मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि जिनके बच्चे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है, डॉक्टर के हिसाब से उन बच्चों के अंदर खून की कमी होती है। तो अगर आपके बच्चों को मिट्टी खाने की आदत है तो मे भी हो सकता है उनके अंदर खून की कमी हो। और यदि आपका बच्चा छोटा है, 1 साल से कम की उम्र है, तो ये टाइम पीरियड वो होता है जिसमें बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, दांत निकलने वाले होते हैं, तो उनको मिट्टी खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। नंबर जो 2 पॉइंट है वो ये है कि अगर छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, और वैसे ये वाली जो एज है एक नॉर्मल एज है, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बचपन में मेरी मम्मा बताती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरे भी पेट में एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा था। और जिन बच्चों को इस चीज़ की दिक्कत होती है, उन्हें बार बार भूख लगती है और उनके पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है, और उनके पेट में भी इवन दर्द रहता है। तो अगर आपके बच्चे को भी ये दिक्कत है तो आपको इस चीज़ के लिए डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट ये है कि जिन बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है वो उनके अंदर खून की कमी होती है, और जिन भी बच्चों के अंदर खून की कमी होती है उनको अनीमिया बोला जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनकी ग्रोथ एक प्रॉपर बच्चे के जैसे नहीं होती। तो अगर आपके बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें, मैं यही बोलना चाहूँगी। और जो इसका, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि अगर आपके बच्चों को ऐसे कोई दिक्कत है, बहुत सारे नुस्खे ऐसे होते हैं कि जो हम घर में करके भी इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को हटा सकते हैं, इन चीज़ों को। और बच्चे जैसे जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं उसकी वजह से उनके अंदर वीकनेस आती रहती है, और मतलब जैसे एक प्रॉपर बच्चा एक ग्रोथ करता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है जिसकी वजह से वो वीक लगते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो
आप उसको अलग-अलग किसी काम में लगाएं जिसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो और वो इस चीज को ना करे। और अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो इससे कैल्शियम विटामिन की कमी होती है। आप कैल्शियम के लिए कैल्केरिया फोर्ट भी दे सकते हैं बच्चों को। और मिट्टी से होने वाली और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो मिट्टी खाते हैं तो उनकी दांतों की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि वैसे ही आप देखें, बड़े इंसान और एक छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर आपका छोटा बच्चा मिट्टी खाता है तो उसके दाँतों के और मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसके कारण हमारे दाँतों पर, बच्चों के दाँतों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संक्रमण। संक्रमण का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मिट्टी खाता है तो उसके अंदर कोई जानवर, कीड़े मकोड़े का मल भी हो सकता है, जिसके कारण संक्रमण की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण बच्चों को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगता है, पेट की समस्या होने लगती है, बहुत जल्दी से फीवर होने लगता है, जिसके कारण हमें बच्चों को मिट्टी खाना नहीं देना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, पोषण की कमी, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके शरीर में पोषण तत्वों की कमी रहने लगती है, जिसके कारण उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उन्हें हमेशा किसी ना किसी चीज़ की परेशानी रहती है। तो अगर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे जानने वाले बच्चे भी हैं जो किसी ना किसी ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जिसके ऑलरेडी मिट्टी के कण होते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँ कि उन बच्चों के अंदर पोषण तत्वों की कमी के कारण वीकनेस रहती है, उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, तो आप बच्चों को मिट्टी खाना छुड़वाएं। वो मैं तरीके आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शारीरिक असंतुलन। शारीरिक असंतुलन का मतलब है, अगर बच्चे के अंदर किसी भी तत्वों का असंतुलन हो जाता है, लिट खाने से, मिट्टी खाने से बच्चों की बॉडी में असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण बच्चे एक नशे से में रहते हैं, वीक रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई मतलब किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं एक्टिव नहीं है हमारा बच्चा, लेकिन मे भी हो सकता है कि उसमें असंतुलन हो, जिसके कारण वो बाकी बच्चों की तरह कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। तो अगर आपके बच्चों को कुछ ऐसी समस्या है तो आप उसको मिट्टी खाना छुड़वाएं। मिट्टी के कारण बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं, जिससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक लगते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं। थैंक यू।